साफ पानी केस में पेशी, आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तारी। नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ के सामने 3 फाइल्स रखी गईं, जवाब से मुतमईन न कर सके। साबिक वजीर आला की गाड़ी वापस भिजवा दी गई। नैब दफ्तर के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात जारी। नैप ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। ख्वाजा बरातरान को मनी ट्रेल भी साथ लाने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने नैप को अपना मुकम्मल रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। जर्राए नैब के साथ गठजोड़ करके गिरफ्तारियों का शौक पूरा कर लें। हवा में मौलिक लूली लंगड़ी हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। दिलों में छुपा हुआ बुग्स बेनकाब हो रहा है। गिरफ्तारियों से धांधली जदा हुकूमत नहीं छुप सकती। बाबर आवान, जुल्फी बुखारी और अलीम खान को कोई नहीं पूछता। ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हजम नहीं होने देंगे। आशियाना इकबाल स्कैंडल, फवाद हसन फवाद ने सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। मियां साहब आपने जो कहा मैं वही करता रहा। फवाद हसन फवाद का शहबाज शरीफ से मुकालमा, तमाम इजलास शहबाज शरीफ की जेर सदारत होते थे, अहकाम भी शहबाज शरीफ ही जारी करते थे। फवाद हसन फवाद ने तहरीरी बयान लिख दिया। नैब जराए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कारकुन बरहम। नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज, ठोकर न्याज बेग रोड को ब्लॉक कर दिया। भाटी चौक में मतवाले सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर शदीद एहतजाज। मॉडल टाउन में लीगी कारकुनों का मुजाहिरा, शादरा में भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का मुजाहिरा। आशियाना हाउसिंग स्कीम के नाम पर गरीब लोगों से फ्रॉड किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सबूत है कि मुल्क में कानून का बोलबाला है। डॉक्टर यास्मिन राशिद, आवाम को खुशखबरियां मिलने का मौसम शुरू हो गया। साबित हुकूमत के दीगर करप्ट नासिर भी जल्द जेल में होंगे। फयाजुल हसन चौहान, पीटीआई रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब के नाम पर गिरफ्तारियां इमरान खान को महंगी पड़ेंगी। ज़मीनी इंतखाब में चंद सीटें हासिल करने के लिए हमें घेरा डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाने वाले वज़रा कल रोते नजर आएंगे। ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासत की तबाही और मुल्क के लिए बदकिस्मती है। राना सनाउल्ला ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। परवेज मलिक बोले मुहिब्बे वतन सियासतदान की गिरफ्तारी लम्हा फिक्रिया है। उज्मा बुखारी कहती है खादिम आला की गिरफ्तारी 25 जुलाई के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। शहबाज शरीफ का नैब के दफ्तर में तिब्बी मुआयना। साबिक वजीर आला का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक किया गया। जरूरी सामान गाड़ी पर, नैब ऑफिस पहुंच गया। सामान में गद्दा, कपड़े और दीगर सामान मौजूद। शहबाज शरीफ के स्टाफ अफसर सामान नैब ऑफिस लेकर आए। माहिर कानून अमजद परवेज शहबाज शरीफ के वकील मुकर्रर। रुकने असेंबली स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। अमजद परवेज, नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया जाएगा। नैब 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस और हाफिज असदुल्ला केस पर समाप्त करेंगे। आशियाना स्कैंडल में हाची माँ फवाद हसन फवाद, शाहिद शफीक, इम्तियाज, बिलाल पहले गिरफ्तार हैं। इसरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हैं। शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर ठेका पीएलडीसी को दिया। पीएलडीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाईपास किया गया। आशियाना हाउसिंग स्कीम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने के लिए गैर कानूनी इकदाम किए। शहबाज शरीफ ने लतीफ एंड सन्स के साथ ठेका मंसूख किया। शहबाज शरीफ को इन इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया।
आशियाना हाउसिंग स्कीम, बर्की रोड करप्शन स्कैंडल, कासा कंपनी कैसे बनी और क्या कवानीन की खिलाफ वर्जियां की गई। लाहौर न्यूज मजीद हकायक सामने ले आया। बिड में हिस्सा लेने वाली कंपनी को निकालकर चाइनीज कंपनी को शामिल कर दिया गया। ज्वाइंट वेंचर के तौर पर तीन कंपनीज पर मुश्तमिल कासा कंपनी की बुनियाद रखी गई। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस, मुल्जिम अमार गुलजार एहतसाब अदालत में पेश। मुल्जिम ने 5000 से जायद फाइलें फरोख्त की, नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने मुल्जिम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया, 15 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। बोगस कागजात नाकिस काम, माहिदों की अदम तकमील। पंजाब की 55 कंपनीज ब्लैकलिस्ट कर दी गई। तालीम, सेहत, पुलिस, रोड, पानी और दीगर मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज शामिल। ब्लैकलिस्ट कंपनीज में एमएस लिंकर्स एशिया, एमएस गिल एंटरप्राइजेस भी शामिल। पेट्रोल पंप साइट्स की नीलामी का मामला, एलडीए का शहर के 22 पेट्रोल पंप साइट सील करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर पंप सील करने के लिए 11 टीमें तश्कील। डीजी एलडीए के आज ही तमाम पंप सील करने के अहकाम। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, क्रोल घाटी में 18 करोड़ रुपए मालियत की 43 एकड़ अराजी वागोजा। सरकारी अराजी पर आलू, मकई और दीगर फसलें काश्त की गई थी। मुजाहमत करने पर दो अफराद जेरे हिरासत। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज, इलामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू बाजार, धर्मपुरा, दरोगावाला में मुतअद्दी तजावुजात मिसमार। पथाड़े, शेड, साइन बोर्ड को गिराने का अमल जारी। दरोगावाला में ऑपरेशन के दौरान बिजली की तारें टूट गईं। ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका, अमला बाल बाल बचा। वजीर आला का तजावुजात के खिलाफ मुहिम में गरीब और आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस। रेढ़ी बान और मेहनत कशों को तंग न किया जाए, वजीर आला की हिदायत। हेलमेट और बैक मिरर न लगाने वाले पुलिस एहलकारों और वार्डन्स के चालान और महकमाना कार्रवाई का हुक्म। कानून शिकनी करने वाले चंद पुलिस एहलकारों को घर भिजवाकर दूसरों के लिए मिसाल बनाए। कानून पर अमल दरामद से सर पर चोट लगने की शरह में 50% कमी आई। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनने पर पाबंदी का जल्द हुक्म देंगे अदालत। आटे और दालों के बाद चिकन की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। दुकानों पर ब्रायलर गोश्त 191 रुपए फी किलो हो गया। चिकन की कीमत डबल सेंचुरी से ऊपर जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का इजलास। चौधरी सरवर का कहना है कि मामलात के हल के लिए जामियात को इख्तियार दिए जाएंगे। शमा जलाने वाले कौम के मामारों को सलाम। यौमे असाज़ा पर यूईटी में आईई क्लब की जानिब से शदीद दिलकश तकरीर। तलबा ने तकरीर, नज़में, नगमे और टैबलोज पेश करके असाज़ा की असमत बयान की। पीसीबी एंटर स्कूल वेमन एंडोर कोर क्रिकेट टूर्नामेंट। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बर्की की टीम ने मैदान मार लिया। लाहौर ग्रामर स्कूल की टीम 67 रन पर हिम्मत हार गई। डूप टेस्ट कवानीन के खिलाफ वर्जी, क्रिकेटर अहमद शहजाद को सजा सुनाई गई। डूप टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद पर 4 माह की पाबंदी आयद। अहमद शहजाद को कुछ अरसा कबल क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया था। और मारूफ भारतीय सहाफी कुलदीप नायर की आखिरी रसूमात बाकियात दरिया रावी में बहा दी गई। कुलदीप नायर की पोती मंदरा नायर और एतजाज एहसन समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत।